मैं गई थी विशाल मंगा मार्ट और मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगी तो मैं उठा के ले आई। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखा था अपना प्लांट, वो यहाँ से नीचे जाके यहाँ गिर गया, इसकी सारी सॉइल गिर गई। जब भी मैं तेल से कुछ बनाती हूँ ना तो ऐसे ही उल्टे उल्टे काम मुझसे होते ही होते हैं। संगीता, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। मैं आज गई हुई है नानी के घर पे, वरना मेरा प्लान था कहीं और जाने का, तो अभी मैं जा नहीं सकती हूँ और ऑब्वियसली मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, तो मैं कहीं ही जाऊँगी। चलते हैं तब तक। मैं नया कवर लिया है फ़ोन का और इस बार मैंने काफ़ी गर्लिश टाइप का कवर लिया है, अदरवाइज पिछली बार मेरा काफ़ी सिंपल सा था। एक टी शर्ट मुझे मिल नहीं रही है तो वही हम लोग ढूंढ रहे हैं, होप कि मिल जाए। आई थिंक यही है, हाँ मिल गया। जब मैं दिल्ली में होती हूँ ना तो मुझे खुद कपड़े धोने होते हैं और खुद ही रखने होते हैं, बट जब मैं यहाँ जाती हूँ ना तो मेरे धोने वाले कपड़े वाले लोग अलग होते हैं और संभालने वाले अलग होते हैं, तो इस वजह से मुझे अपने कपड़े मिलते नहीं हैं, तो फिर मुझे उन लोगों को बोलना पड़ता है कि यार मुझे मेरे कपड़े ढूंढ के दे दो। कपड़े तो मम्मी धो देती है लेकिन कपड़े संभालती ये है, और ये ऐसे संभालती है, कपड़े मिलते ही नहीं है। चला गया, इनके मेरी बहन के काम है, बारिश आने वाली है तो शायद से इसने सारी खिड़कियां बंद कर दी। फाइनली मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ एंड अब मैं अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर करूंगी। मैं मेरा स्किन केयर करूंगी, ये वाला मॉइस्चराइजर करंटली ये मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एंड लिप टिंट एंड चीक टिंट लगाया है। ऑल्सो आपको ये पीछे दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा जो मैंने बनाया है। मेरे घर की थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई थी इसलिए मैंने पूरे एक मंथ तक व्लॉग नहीं डाला और काफ़ी ज़्यादा बिजी थी काम में, और ऑल्सो बीच में मैं पता है दिल्ली भी गई थी और मैं वापस भी आ गई हूँ एक मंथ के अंदर। रेनोवेशन के बाद ही मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए थे अपने रूम पे, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपने मेरे दिल्ली वाले घर में भी देखा होगा जो मैंने बनाया था, तो वही सेम वाली लाइट से मैंने वो यहाँ पे बनाया है, क्योंकि ये वाली वॉल जो थी ना ये बहुत ज़्यादा खाली थी। ठीक है, लेकिन ये मेरा बहुत ही प्यारा सा पोस्टर है जिसमें लिखा है बी हैप्पी विद योर ब्यूटीफुल लाइफ। रहती भी हूँ, ये ऑर्डर किया था, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा वॉल हैंगिंग एंड इसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें छोटे छोटे टेडी बियर्स एंड ये सब कुछ रख दिए। मैं ये लेके आई थी दिल्ली से, ये बहुत ही क्यूट सा फरी रग है। टूर भी कराऊंगी क्योंकि अभी मैंने और भी चेंजेस करे हैं, बट मैं वो बाद में दिखाऊंगी जब मेरे घर का जो बचा हुआ काम है वो ख़त्म हो जाए। इसको बंद करके चलते हैं हम अपने दूसरे रूम में। बारिश भी शुरू हो गई, मैंने बोला था ना बारिश होने वाली है, तो ये देखो नीचे बारिश शुरू हो गई है। इसे तो मैं काफ़ी दिन पहले आ गई थी और मैं एक प्लांट लेके आई थी वहाँ से, बट मुझे वो प्लांट लगाने का ना तो मेरे पास पॉट है और ना ही मेरे पास टाइम था लगाने। तो गाइस ये लेके आई थी ना प्लांट और इसके भी मैं ना थोड़ी बहुत सॉइल लेके आई थी, बट ये ऐसे ख़राब नहीं होता प्लांट। मैंने सोचा था कि यहाँ के दूसरे पॉट में ट्रांसफर करूँगी बट ऐसा हो नहीं पाया, तीन चार दिन हो गए मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। सो आज फाइनली छुट्टी है तो मैं कर सकती हूँ उसको। फ्रेंड ने दिया था जिसका एक बड़ा सा गार्डन है, तो उसने मुझे जब वो प्लांट दिया था ना तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 वीक्स तक मेरे पास ना ही उसमें ज़्यादा सॉइल थी, थोड़ी बहुत इतनी सॉइल थी एंड बट स्टिल वो सर्वाइव कर गया था, और जब मैं नया ग्लास लेकर आई थी ना तो मैंने उसमें डाल दिया था एंड अभी तक वो अच्छा खासा हो रहा है ग्रो। मेरे पास काफ़ी सॉइल, मम्मी के खेत से लेके आ सकती हूँ आराम से। मैं यहाँ किचन में आई थी, मुझे बहुत ही तगड़ा आइडिया है, बकेट है जिसमें मम्मी ने गार्लिक रखे हुए हैं, तो मैं सोचूं उसको खाली करके ना इसको अच्छे से वॉश करके इसमें मैं अभी के लिए काम चला सकती हूँ। मैंने बताया ये पॉट के नीचे रखने के लिए ये वाला मैट भी लेके आई थी, बट पॉट मुझे मिला नहीं अभी तक, अब मैं इसका सर्च करती हूँ, अगर मुझे ऑनलाइन मिलता है तो आई थिंक यार तो यार अभी बहुत तूफान आया और मेरा सारा प्लांट उथड़ बुथड़ हो गया, बारिश अंदर आ रही है, चलो इसको बंद करते हैं। तेज आया तूफान कि यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखा था अपना प्लांट, वो यहाँ से नीचे जाके यहाँ गिर गया, इसकी सारी सॉइल गिर गई। नहीं क्या, हमारे घर में तो एक काम करने वाला है, हो चुका है इसको वॉश करते हैं, काफ़ी अच्छे से वॉश हो चुका है अभी। सॉइल लेने ऐसा भी नहीं कि हल्का हल्का हो रहा है, इतनी तेज़ धूप आ रही है और बारिश हो रही है, मजाक है। इसमें सॉइल आ चुकी है और ये मेरी बहन लेके आई है, अभी ये वाला प्लांट लग चुका है और ये ना मैं सिंगल स्टेम लेके आई थी, इसका मतलब ये कि अभी यहाँ से बाकी और निकलेंगी ऐसी ही सेम। ठीक है, हाँ मेरी बहन ये वाले फ्लेवर के केक लेके आई है एंड ये वाले ना सेम फ्रूट फ्लेवर में भी आते हैं, तो फ्रूट वाले तो मेरे को ऊपर दुकान में मिल गए थे बट वो ये वाला फ्लेवर मुझे मिल नहीं रहा था, बट नया स्टॉक आया था तो मेरी बहन इतने सारे लेके आ गई है मेरे लिए।
को आपने मेरी पहले भी वीडियो में देखा होगा और ये मेरे दिल्ली वाले घर में था, बट ये इसकी ना एक तो आंख टूट गई थी, ठीक है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो ये मुझसे हाथ से धुल नहीं रहा था, तो मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए यहाँ पे ले आई थी और देन मैं उसको यहीं पे छोड़ के चले गई थी। तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है क्योंकि मेरी बहन ने काफ़ी अच्छे से इसको वॉश कर दिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट ही बच्चा लग रहा है। जब मैंने अपनी बहन से बोला है कि मेरे लिए एक मैंगो शेक बना दे, तो देखते हैं कैसा बनाया मैंने। छोटे जग में नहीं दिया, इतने बड़े जग में दिया भाई, इतना पी लूंगी मैं, ये बता दूँ मुझे पहले मैं सर्व करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही ग्लास टाइप का था और उतने में ना पी लूँगी। सो मैं ये वाली छोटी छोटी आइस क्यूब्स डालूँगी सबसे पहले। मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी तो मैं उठा के ले आई, थैंक यू। बस ये बहुत ज़्यादा हैवी है और मुझसे इतना ही पिएगा, तो मैं बाकी वाला फ्रिज में रख देती हूँ और मैं शाम को पीऊँगी। अभी काफ़ी बोर हो रहे हैं तो मेरे पास एक बहुत ही खुफिया आइडिया आया है, नारियल, एंड ये नारियल मैं किसी के सर पे फोड़ सकती हूँ। वो लड़की है जिसको मैंने मैंगो शेक बनाने के लिए बोला तो उसने काफ़ी मीठा बना दिया। मैं बताना कि इसका सर मेरे को फोड़ना चाहिए या नहीं फोड़ना चाहिए। अभी नहीं फोड़ सकती इसका सर क्योंकि आज शाम को कुछ अच्छा बनाएगी खाने के लिए। बस मेरी बहन आज शाम को कुछ अच्छा बनाने वाली है डिनर में, तो तू क्या बनाने वाली है कुछ पता? इडली। क्या? नारियल की इडली नारियल की चटनी और इडली। ओह सॉरी, तो ऑफिस है तो मैं थोड़ा बहुत काम अपना कर लेती हूँ और देखते हैं ये कैसा बनाती है शाम को। जी अपना काम शुरू कीजिए और इसमें से जो पानी मिलेगा वो मुझे दे देना क्योंकि मुझे कोकोनट वाटर बहुत पसंद है। अब अच्छी जैसे नारियल इतनी गंदी शक्ल वाली मुँह पे फूटना नहीं चाहता था इसलिए ये पहले ही ख़राब निकला, और ये इतना ज़्यादा ख़राब है तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता, दोबारा से नया नारियल लेने जाना पड़ेगा। तुझे बहुत नया नारियल लाने की पड़ी थी ना। चीज़ और दिखाते थे नारियल फोड़ा, इसके सारे कपड़े गंदे हो गए। बट इतना सा पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मर दूँ। जा जा निकल चल। नहीं बन चुके हैं, मैं यहाँ तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ एंड बस ये जो है ना ये इसको इसमें से डाल देना है। बस सारे कपड़े ना गंदे हो गए, बताती हूँ क्यों। का प्रिपेयर कर रही थी इससे पहले और मैंने तेल डाला हुआ था तो वो एकदम गर्म था और मैं यहाँ पे ये वाली कढ़ाई से दूसरी कटोरी में डाल रही थी, तो यहाँ से ना वो लिटरली यहाँ पे गिरा है। और जब भी मैं तेल से कुछ बनाती हूँ ना तो ऐसे ही उल्टे उल्टे काम मुझसे होते ही होते हैं। अच्छा वो मेरे हाथ पे नहीं गिरा, वरना मतलब इतना ज़्यादा गर्म तेल था और इतना ज़्यादा था ना तो बहुत लगती। मैंने इतनी छोटी छोटी इडली बनाई है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बट अभी मैंने टेस्ट नहीं करी है, खाना निकाल के दे दें। वाली चटनी जो है ना ये मैंने बनाई है और ये है टोमेटो और पीनट्स की, और ये वाली है कोकोनट की, और बाकी ये है क्यूट सी इडली।